आगे आगे चलूं मैं पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी ये सुबह था हमें जुले बोल रहे, जुले बोले जुले मुझे पता है कि एनर्जी आपकी लो है, उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आपको कि इनकी एनर्जी क्यों लो है। थोड़े से चुरा के बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के सोलो कर रहे हो? सोलो कर रहे, ऐसा क्या कीड़ा मच गया कि सोलो कर रहे हैं? वो भी कौन सी बाइक पे है बताओ? स्प्लेंडर प्लस 2008 मॉडल। ओहो, क्या व्यू है अपने रूम के बाहर, बस ये पर्दा खुला और ये देखने को मिलती है पैंगोंग लेक। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और अभी आपने जो मेरे पीछे का व्यू देखा वो था ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक का व्यू। पैंगोंग लेक रूम से दिखाने का कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी एक बार आपको छोटा सा व्यू दे देता हूँ रूम का। ये अपना रूम है पूरा, सारा व्लॉगर्स लाइफ पूरा रूम फैला हुआ है। जुले बोल दो जुले, ये सुबह से हमें जुले बोल रहे, जुले बोले जुले तो ये जब भी हर दो मिनट में आता है जुले 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 बोलता है हमें। जुले मतलब होता है लद्दाख में हेलो, और भाई को भी यूजुअली लोग जुले ही बोल ही देते हैं। एनीवेज, एक और चीज़ जो मैंने पिछले व्लॉग में नहीं बताई आपको, अब मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ अगर आपको टॉप पे दिख रहा होगा, ये है फेमस ब्लैक टॉप। अगर आपने अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया का जो सारा चल रहा था, आपने सुना होगा कि इंडिया ने ब्लैक टॉप पे पूरा कवर कर लिया था, तो वो जस्ट मेरे सामने वहाँ से मुझे ब्लैक टॉप दिख रहा है। हमने बाइनोकुलर से पूरा वहाँ पर आर्मी का पोस्ट देखा है। एक्चुअली यहाँ से दिखता है, नेकेड आई से नहीं दिखता, ऑब्वियसली मैं आपको नहीं दिखा सकता वो सिक्योरिटी रीज़न से, पर हाँ क्लियरली दिखता है। अब जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी है, चाइना भी पीछे हट चुका है, इंडिया भी ब्लैक टॉप से थोड़ा सा नीचे आ चुका है, नीचे एक्चुअली उनके पोस्ट। तो ये यहाँ के जो लोकल्स हैं जिनके हम यहाँ पर गेस्ट हाउस में, तो उन्होंने ही हमें ये सारी चीज़ें बताई थी। एज अ लोकल ही बता सकता है हमें, न्यूज़ चैनल वाले जो बताएं वो तो पता नहीं सही है क्या गलत है। ये जो होम स्टे है ये सरम जी का है, और सरम जी तो यहाँ पर नहीं है, जा चुके हैं। दीदी है, दीदी बाय बाय। तो इन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, हमारा खाने पीने का कोई भी हमें कमी नहीं आने दी। तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से 20-25 किलोमीटर के बाद आता है चुशुल, और अभी हमें वहाँ का परमिट नहीं है। और दूसरी चीज़ वो है ब्लैक टॉप, उसके वहीं से रास्ता कटता है पैंगोंग के लिए, और फिंगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो यही है, PLA आर्मी वहीं है। तो फिर यहाँ से आ जाता है फिर वो चाइना का बॉर्डर पूरा जहाँ उनकी आर्मी है, और इधर से अपना दूसरा रूट कटता है जो कटता है हानले। पूरा नीला दिख रहा है पानी अभी पैंगोंग का, क्योंकि स्काई का कलर जो है वो बिल्कुल ब्लू कलर है, और जैसे जैसे स्काई का कलर चेंज होता है वैसे वैसे पानी का कलर भी चेंज होता रहता है, रिफ्लेक्शन आती है। थोड़ा सा जब ग्रीन थोड़ा सा हो जाएगा स्काई का कलर हल्का बहुत, तो ग्रीन दिखने लगेगा। अभी बहुत एकदम डार्क ब्लू कलर दिख रहा है। आगे मिराक है, हाँ मिराक विलेज से आगे हमारे नहीं अलाउड नहीं है वहाँ से, रास्ता बंद। आगे परमिट है? हाँ, अगर वैसे है कुछ जान पहचान है तो हो सकता है, नहीं तो अलाउड नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा ये वाला रोड साफ रोड है ना, एकदम अच्छा रोड है? हाँ ठीक है। स्लिप हो रही है बाइक बहुत तगड़ी, मेरा आगे का टायर तो भाई कल से इतना स्लिप हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया यार। अभी तो इसको अंदर 50-50 लगा रखा है टायर मैंने, 50 तो नहीं, हाँ 60-40 तो है ही यार टायर कम से कम। तो यहाँ से हो जाती है रोड अच्छी वाली शुरू। ये देखो अब हम ऊपर ऊपर चलेंगे। तो कल अपन लोग नीचे से ही आए थे, आज हम ऊपर से जा रहे हैं ताकि हमारा दोनों रूट कवर हो जाए, और आज हमें बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग स्टार्टिंग में ना करनी पड़े, क्योंकि हम अब ऐसे खूबसूरत व्यू को कैसे मिस किया जा सकता है भाई। अमेजिंग ना। सामने क्या प्यारा नजारा है भाई, यहाँ रुक के कुछ फोटोज ना ली तो क्या फायदा। रोड इतनी प्यारी, दोनों तरफ ग्रीनरी, ऊपर इतने प्यारे पहाड़,
ऊपर से पड़ रही है फॉग। सही सो ये हैं कुछ अमेजिंग से घोड़े। इनके साथ एक दो फोटो तो लेना बनता है। तो अपन लोग आ गए हैं अब टाई जंक्शन पे, और जब हम लोग आए थे ना तो हम लोग आए थे इस रूट से, इस रूट से हम लोग अंदर मुड़ गए थे, लेकिन अब हमें इस रूट से सेम नहीं जाना, अब हमें जाना है चांगला की तरफ। तो चांगला जाने के लिए हमें पकड़ना है ये वाला रूट। तो बेसिकली अब ये जो रूट है ये टोटल डिफरेंट रूट होने वाला है हमारी इस जर्नी में, क्योंकि हम आए उस रूट से थे और अब हम जा रहे हैं इस रूट से, चांगला की तरफ जाएंगे अपन, और जो लेके जाएगा हमको लेह। अभी हमने काफ़ी ऊपर तक चढ़ाई कर ली है और सही बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो चुकी है, हाथ एकदम जमना शुरू हो चुके हैं, और लेफ्ट में भी, फ्रंट में भी, राइट साइड में भी, नीचे छोटी सी लेक है। ओहो, एक सेकंड के लिए वाइजर खोला तो मुँह पूरा एकदम हिल गया मेरा, इतनी ठंड है, ग्लव्स हाथ पूरे जमना शुरू हो चुके हैं। अभी तो हम काफ़ी नीचे हैं, अभी तो हमें ऊपर जाना है चांगला के लिए। क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ उस लेक को देख के? प्रोग्राम शुरू किया जाए, फिर प्रोग्राम शुरू किया जाए। आगे आगे चलूं मैं, पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी, कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी, बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को बुला के पल थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। तो यहाँ से बर्फ दिखनी शुरू हो चुकी है, और थैंक गॉड मेरी जीब में थोड़ा सा जो पेन था वो ठीक हो गया, चिंगम खा रहा था भाई, अरे चिंगम खा रहा था, गलती से जीप चबा दी, पिछले आधे पौने घंटे से तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, थैंक गॉड अब ठीक है। अरे बहुत बढ़िया, प्लैटिना है, प्लैटिना मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, प्लैटिना प्लैटिना तो मेरे ख्याल से और भी कम सीसी की बाइक है, 100 सीसी बाइक है प्लैटिना, या 110 है मुझे पता नहीं है, शायद प्लैटिना थी। सो वो जो बाइकर्स हैं 100 सीसी वाले वो भी खड़े हैं, वाओ। सो गाइस फाइनली वी आर एट चांगला पास, विच इज एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ 17,688 फीट। सो फाइनली ये मेरा थर्ड टाइम है चांगला पास पे, एंड ठंड है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड नहीं लग रही, बट यहाँ पर कुछ अपने भाई लोग भी मिले। हाँ जी आ जाओ, ये कह रहे हैं फोटो खिंचा लो, मैं कह रहा हूँ वीडियो फोटो छोड़ो यार, ब्लॉग में आ जाओ, इससे बेटर तो। हेलो सर। हेलो, तो कहाँ से हो आप? मैं जयपुर से। जयपुर से आप? कोटा, राजस्थान। राजस्थान हो आप? राजस्थान से। राजस्थान से आया तो आप, आपने, मैं तो हेलमेट पहना था, आपने मेरे को पहचाना कैसे? काफी इस रूट पे ना इस बार काफी यही हुआ है कि काफी लोगों से मिलना हो गया, एंड विच इज गुड, अच्छा लगता है जब बाइकर से मिलते हैं। और सबसे बेस्ट चीज जो मुझे अभी एक लगी है वो मैं दिखाना चाहूंगा, ये भाई साहब, भाई साहब कहाँ से आए हो और क्या चला रहे हो आप? लोग मुंबई से आए, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, हम लोग मुंबई से आए। मुझे पता है कि एनर्जी आपकी लो है, उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा आपको कि इनकी एनर्जी क्यों लो है, पहले ये बताओ, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हम लोग मुंबई से आए, वो भी ये अपना हीरो की 110 सीसी। दिखाता हूँ, पहले दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो, अगर हीरो वाले कोई देख रहे हो तो भाई साहब देखो ये क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। कहाँ से आए हो आप पहले तो बताओ? हम लोग मुंबई से आए। अच्छा, हमारी एक गाड़ी गुजरात से आई है। दूसरी गुजरात वाले कौन है? मैं गुजरात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जिग्नेश जाला है। 110 सीसी की बाइक है। अच्छा, हम लोग काफी साल से मतलब सोच रहे थे जाना जाना जाना, लेकिन हम लोग बुलेट
और ये जो तुम्हारी हाई फंडा गाड़ी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अच्छा मेरे को एक और चीज बताओ कि क्या क्या चीजें या क्या क्या माइंड में रखना पड़ता है कि ये बाइक के मेरे को लेके आनी है। माइंड में तो सिर्फ एक ही रखो, हौसला कि मैं चला जाऊंगा। और जोर से बोलो, हौसले में दम नहीं है अभी। माइंड में तो सिर्फ रखो हौसला कि मैं चला जाऊंगा करके। लगेज का क्या हिसाब किताब है, कम रखो भर लो क्या है? ठंड के लिए जो भी है लगता है वो पहले लेके आओ। अच्छा, कपड़े अच्छे अच्छे नहीं लाएंगे चलेगा, लेकिन ठंड को से बचने के लिए मजबूत। देखो ये प्रो टिप आपको मैं दिलवा रहा हूँ इनसे कि आपको बहुत सारा सामान लाने की जरूरत। आपको कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी आई बाइक में? नहीं, कोई परेशानी नहीं आई। ये तो हो गए दो भाई साहब मुंबई और गुजरात से। आपसे भी एक और हमारे भाई साहब है, उनसे मिलवाता हूँ। वो तो अलग लेवल जज्बा, इनका तो मान लिया, चलिए दो है। अब मुझे इन्फॉर्मेशन लिया कि ये भाई साहब कर रहे हैं सोलो। भाई साहब ये तो सबसे पहले आप कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली पालन से आया हूँ सर। दिल्ली से आयो? दिल्ली पालन सोलो कर रहे हो? सोलो कर रहे हो। ऐसा क्या कीड़ा मच गया कि सोलो कर रहे हैं? वो भी कौन सी बाइक पे बताओ? स्प्लेंडर प्लस 2008 मॉडल। कितना खर्चा आ जाता है पेट्रोल का पूरी राइड का दिल्ली से दिल्ली वापस? सर अभी फिलहाल मेरा लगभग 7-8 हज़ार का समथिंग लग चुका होगा, क्योंकि हम वैष्णो देवी कटरा वगैरह होते हुए आए हैं। तो ये है इनकी बाइक, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है स्प्लेंडर 110 या 100 सीसी बाइक पे आए हुए हैं, है ना? आपके कोई चैनल भी है क्या सर? MS Vlogs के नाम से मैंने कर MS MS Vlogs के। सफल। सो गाइस, मेरा चांगला एंड स्नोफॉल शुरू हो चुकी है और ये मेरे साथ दूसरा ओकेजन है। जब मैं पहुंचा था पिछले साल भी, तब भी ऐसा था, स्नोफॉल नहीं थी, जैसे ही पहुंचा स्नोफॉल शुरू हो गई। आ जाओ फटाफट आ जाओ, एक फोटो लेने निकलते हैं। वहाँ का वेदर देखो पूरा चेंज हो चुका है, टोटल स्नोफॉल शुरू हो चुकी है एंड इधर भी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है। तो विदाउट एनी डिले अपन लोग यहाँ से चलते हैं। जब पिछली बार आया था मैं तब भी ऐसे ही था, यहाँ ज़्यादा बोलना या चलने में एनर्जी बहुत लगती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है यहाँ से। पर चलो भैया, ये देखो क्या वेदर हो चुका है यार, पूरा वेदर बदल चुका है। जब हम आए थे इतना बुरा हाल नहीं था वेदर का, ठंड बहुत थी, लेकिन अब तो भाई हाथ पैर कांपने शुरू हो चुके हैं बिल्कुल। अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ यही है, बस इतना ही है, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप कहाँ से हो? हाँ कोई एक्सपल्स पे आए हो? क्या बात है यार, फुल मज़ा, वो एडवेंचर भी है। अरे जाओ जाओ बिंदास जाओ यार, इतनी बढ़िया बढ़िया बाइक्स पे सोच रहे हो? 100 सीसी वाले होते तो हम सोचते कि नहीं यार जाए ना जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो एक मिनट। काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। तुम हो मुसाफिर और जिंदगी सफर, टुकड़ों में जैसे कहानी है बटी। शाम है काली सी कोई स्याही, लिख दो इसे तुम्हारी कहानी। धूप प्लस स्नोफॉल कॉम्बिनेशन परफेक्ट। ओहो, ये तो लैंड स्लाइड है। तो ऐसा ही होता है माउंटेन्स में, टोटल अनप्रिडिक्टेबल होता है। बस ये अच्छा है कि यहाँ मौसम ठीक है, बारिश हो स्नोफॉल हो तो भाई अगर ऐसा कांड हो जाए ना तो बैंड बज जाती है। ओहो पूरा लैंडस्लाइड हो गया था, तो भाई सापुरी ज़्यादा टाइम ही लगा, शुक्र है 5-7 मिनट में हो गया काम। तो ऐसा बाइकर तो हमें फायदा है, जल्दी निकल ही जाता है। ओ यहाँ से ले रह गया 60 किलोमीटर। अब रोड ठीक लग रही है पूरी। सो AK मोनेस्ट्री हमारे दीपक भैया ने हमें दिखाई है, मुझे पता नहीं, मैं तो आगे निकल गया था, वापस में आए तो देखा वाओ कितनी खूबसूरत मोनेस्ट्री है। अब इतनी दूर से तो मोनेस्ट्री दिखेगी नहीं, तो इसका क्या तरीका है।
सो गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं कारू में, और यहाँ से अगर मैं ले की बात करूँ तो खाली रह गया है 40 किलोमीटर। तो ये है अपना एक और जहाँ मैं हमेशा रुकता हूँ, एक बार अपनी जान पहचान की दीदी है, इनसे एक बार मिल के भी आएंगे। दीदी अच्छा 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 क्या हाल है, क्या हाल है? पिछली बार तो बहुत खेली थी मेरे साथ, आजा। कैसे देखो खुश होगी पहचान के, पिछली बार मेरे साथ बहुत खेली थी, इसके सारे मैंने ब्लॉग्स भी इतने शूट करे थे। आजा आजा, हाँ 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 पहचान लिया, आजा 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 आजा। अरे कैसे खुश हो रही है मेरे साथ, मुझे पता आप नहीं करने दोगे। क्या हाल है दीदी, कैसे ना फिर, क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हो, कैसे हो? हाँ अरे जुरी पहचान गई हुए। सो गाइस जस्ट अभी एडिटिंग कर रहा था और अभी ध्यान दिया मैंने कि यार मैंने वीडियो एंड तो किया ही नहीं। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, ये मैं सेम डे एडिट नहीं कर रहा, उसके नेक्स्ट डे एडिट नहीं कर रहा, उसके अगले दिन मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूं। तो बेसिकली मैं हूं अभी कारू में, और कारू में हमने एक दिन पूरा स्टे किया और कुछ भी नहीं किया, आराम किया, थोड़ा सा वीडियो एडिट करा, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है अगर इतनी हेक्टिक राइड है और हमें कोई जल्दीबाजी थी नहीं। और अगर आप मेरे पीछे पूरा व्यू देख रहे हो तो ऑलरेडी मैं इसका व्लॉग शूट कर चुका हूँ पिछले साल, व्लॉग का नाम है अ डे इन कारू। सो दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, दिस इज़ माई फेवरेट कॉटेज, मेरे पिछले दो बारी से यही कॉटेज में मैं स्टे कर रहा हूँ, ये मेरा तीसरा टाइम है। ये एक्चुअली अपनी दीदी का ही कॉटेज है, तो मैं तो और दीपक भाई निकल रहे थे यहाँ से ले, बट इनको बस नमस्ते करने आया तो इन्होंने हमें पकड़ लिया और यहाँ से हमें जाने नहीं दिया। तो बड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली आज दीदी को फिर व्लॉग में बुला ही लिया। तो यही अपनी दीदी है जो मैं आपको बाहर कह रहा था कि इनको सिर्फ नमस्ते करने आया था और इन्होंने मुझे यहाँ पकड़ लिया, दो दिन के लिए मेरे को यहाँ से हिलने भी नहीं दिया, अभी भी ज़बरदस्ती निकल रहा हूँ यहाँ से, कह रही नहीं बैठ, लेकिन कोई बात नहीं, अपना कहाँ है, यहीं है अपना दीदी का होटल, फिर दोबारा आएंगे, आएंगे ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। बुलाओगे ना मेरे को? हाँ जी, दोबारा जी, हाँ जी, हाँ जी। डांट के मार के आ जाओ वापस, फोन करते रहूंगी, काम करूंगी तो मैं हमेशा तंग करूंगी, हमेशा तंग करेंगी, तो मैं हमेशा यहीं रहता हूँ। लाओ ये रो लाओ, अपने छोटा भाई की तरह ये तो मेरा। तो देख लो कितना प्यार मिलता है, बिल्कुल घर वाली फील आएगी। तो अगर आप यहाँ पर आना चाहो तो ये आपके स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है और ये बोर्ड भी दिख रहा है यहाँ पर, 100% रिकमेंडेड। जैसे मैं बोलता हूँ आपको, मैं हर किसी को रिकमेंड नहीं करता बहुत जल्दी, क्योंकि उससे मेरी भी वैल्यू की बात होती है कि आपके साथ कुछ नो बैड इंसिडेंट्स हो जाए तो उसके ऊपर मेरा नाम आता है। बट यहाँ पर जैसे मैं 100% बोल सकता हूँ कि आप 100% सेटिस्फाइड रहोगे और बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, है ना दीदी? घरेलू जैसे अपने घर में बैठे वैसे हम भी बैठते हैं फैमिली के साथ, बस भी जो भी आएंगे हमारे साथ फैमिली की तरह बैठेंगे, एक ही फैमिली की तरह, ये भाई साहब आते हैं हर साल हमारे तरह। ये मेरा तीसरी बार है, कल तो ये दोनों बार खाने के लिए किया तो मेरे को गुस्सा हो गई, ये अभी ये डांट पड़ेगा, सारी पोले खुल जाएंगी हमारी, तो मुझे लगता है पोल और नहीं खुलनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इनको टाटा बाय बाय अच्छी तरह से करते हैं, अपना बाइक पे सारा सामान लोड करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं ले के लिए। बाकी जो भी स्टोरी होगी वो आपको बाद में पता लग जाएगी, वो भी नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? तब तक गाइस राइड हार्ड, राइड सेफ, दिस इज मी रिंच इज द साइनिंग ऑफ फ्रॉम कारू और झूले, झूले हमारे में नमस्ते को बोलते हैं झूले, झूले झूले बोलो तो आपको सब कुछ मिलेगा, इधर लिफ्ट भी मिलेगा, पानी दो सारा चीज मिलेगा, झूले बोलना है यहाँ के आपको, झूले। चलो बाय बाय बाय।